Hello dear students, welcome to the video tutorial series of data communication and networking. And today in this lecture we will talk about the unguided media, which is known as wireless media, and it is also known as wireless transmission. Means when you are using wireless mode of communication, then that is also known as wireless communication. So for unguided media, that is a part of transmission media, and it has one another part also, guided media, that we have already discussed in our previous video. The link of the video I will give you in the description box also, and or you can find out in my playlist of data communication and networking. So what is guided media? When you are communicating through a path, or when you are communicating some data from one device to other device, and that communication is going without any physical conductors, ये कोई भी physical equipment, media या wire का use किए बिना जब आप communication कर रहे हैं electromagnetic waves का use करके, तो उस तरीके के transportation को या उस तरीके के transmission या communication को हम कहते हैं wireless communication. और जो मीडिया इसमें हम यूज़ करते हैं या जो वेव्स हम इसमें यूज़ करते हैं, उन वेव्स को हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया. ठीक है, इस तरीके के कम्युनिकेशन के लिए हम तीन तरीके की मीडिया यूज़ कर सकते हैं या तीन तरीके की वेव्स यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर कम्युनिकेशन डेटा और द कम्युनिकेशन वे और कम्युनिकेशन स्पीड. सो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स. So these are the three parts of wireless transmission. Radio, first we will go through the radio waves. So radio waves को हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें multicast communication, यानी कि कई सारे लोगों को एक साथ communicate करना है कोई चीज़, या broadcasting channels में हम कह सकते हैं कि ये use किया जा सकता है. तो इसका example अगर हम लेना चाहते हैं तो radio FM radios जो हमारे हैं, या फिर television है, या paging system है, कि एक टाइम पे हम बहुत सारी जगह पे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं एक ही चीज़ का या एक ही डेटा का, तो वो हमारा इस तरीके के कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में आ सकता है. और वहाँ पर जो मीडिया यूज़ होती है वो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं. ये रेडियो वेव्स जो होती हैं वो वॉल्स के थ्रू, या कहें कि कंक्रीट जो है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती हैं या पेनिट्रेट हो सकती हैं. तो इसके लिए जो एंटीना है वो हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को यूज़ करते हैं. हाईली रेगुलेटेड होती हैं बिकॉज ऑफ दैट फीचर के ये पेनिट्रेट कर सकते हैं वॉल के थ्रू, और किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती हैं, तो इसीलिए ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इनके लिए हमें चाहिए होता है. सो दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, जहाँ पर हमारे पास सराउंडिंग में कहीं पर भी कम्युनिकेशन, किसी भी लाइन में कम्युनिकेशन हमारा हो सकता है. So this is possible in radio wave communication. Then we have microwaves. Microwaves के अंदर unicast communication, यानी कि one to one, point to point communication जहाँ पर हमारा होता है, या कहें कि directional antenna जहाँ पर हम use करेंगे, या हम कहें कि one to one connectivity, कहें कि cellular devices हम इसका example ले सकते हैं, LANs हमारी wireless LANs इसका example हो सकते हैं, satellite network भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी रेंजिंग कहेंगे होती है, और ये जो वेव्स हैं वो वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, तो हमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा. क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी साइट पे है, तभी साइट में है, या डायरेक्ट कहीं एंटीना की साइट में है प्रेजेंट, तो ही कम्युनिकेशन हो पाता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. क्योंकि बीच में अगर वॉल्स आ जाती हैं, ये पेनिट्रेशन नहीं कर पा रही हैं उस वॉल्स के थ्रू, तो वो डायरेक्ट वो हमारा पॉसिबल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है. तो इसलिए यहाँ पर जो एंटीना यूज़ हो सकते हैं वो यूनिडायरेक्शनल एंटीना ही यूज़ होते हैं, जो लाइन ऑफ साइट में वॉक करते हैं. तो इस तरीके के डिश एंटीनाज जो हो गए, या हॉर्न एंटीनाज जो हैं, वो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तीसरे तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है, जहाँ इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है. शॉर्टर रेंज कम्युनिकेशन जहाँ हमें चाहिए, या किसी क्लोज एरिया में हमें कम्युनिकेशन करना है, जहाँ लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन हमारा होगा, क्योंकि ये भी जो है वो हमारी वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं,
तो लाइन ऑफ साइट जरूरी है कि जो हमारा सेंडर और रिसीवर है एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में, या कहें कि जो 1-to-1 नोड्स हैं, एक नोड से जो हमारे कहीं स्विचिंग होती है, तो आपकी जो फर्स्ट स्विचिंग नोड है आपकी, वो आपकी लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए, एंड सेकेंड स्विचिंग नोड, जो सेकेंड स्विचिंग नोड है वो थर्ड स्विचिंग नोड के लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए, तभी हमारा प्रोपेगेशन हो पाता है. सो इस तरीके की कम्युनिकेशन के लिए या प्रोपेगेशन के लिए भी हम सेम एंटीना यूज़ करते हैं, यूनिडायरेक्शनल एंटीना, जहाँ पर हमारा डिश एंटीना या हॉर्न एंटीना ही इसके लिए पॉसिबली हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम वायर्स का यूज़ नहीं करते हैं या कोई फिजिकल इक्विपमेंट्स या टेंजिबल थिंग्स का यूज़ नहीं करते हैं. और इस तरीके के कम्युनिकेशन में हम तीन तरीके की वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग ऑन द रेंजिंग, डिपेंडिंग ऑन लाइन ऑफ साइट और डिपेंडिंग ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो होप यू गेट द पॉइंट्स रिलेटेड टू अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड बेसिकली कह सकते हैं कि जो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, एक गाइडेंस नहीं है कि आप प्रॉपर इसी डायरेक्शन में जाना है, एक तरीके से हम कह सकते हैं. एंटीनाज हम यूज़ करते हैं उसके लिए, उसको डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शंस उसको स्प्रेड करने के लिए. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर क्लियरली थ्रू दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक्स अगेन.